वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में आज हमने खेलना है मूवी मूवी, और 2022 से जब से शुरू हुआ है हम गाहे बगाहे फैसल मूवी वाला से जानते रहते हैं कि वो जो 60 फिल्में तैयार हैं टेक ऑफ करने के लिए, उनमें से कौन कौन सी आ रही हैं, कब कब आ रही हैं, और उसमें ऐसा क्या है जो सबीन भी फिल्म देखने जाए जिसने आज तक जिंदगी में सिर्फ बिल्कुल ढाई फिल्में देखी। लास्ट टाइम फैसल ने मुझे 50% कन्विंस किया था, 50% बाकी था, वो मैं मुझे लगता है कि आज शायद ये थोड़ा कर दे। लेकिन फैसल, ये सेगमेंट जब से अभी दोबारा से हमने इसको स्टार्ट किया है तो एक खुशी इस बात की हो रही है कि जब लोग अब मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, लोग जब सोच रहे हैं, तो मुझे वो देख के मतलब सोच के बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि टाइम हमने देखा जहाँ पर सिनेमा हमारा बंद रहा, लेकिन अब जो टाइम है लोग एटलीस्ट उनके लिए एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए दोबारा से सिनेमास जो है वो ओपन हो गए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं जब भी इस सेगमेंट को करने के लिए आता हूँ तो मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं सबीन को किसी तरह कन्विंस करूँ कि वो फिल्में देखना शुरू करे, और उसको अंदाज़ा होगा कि उसकी ज़िंदगी में कितनी कमी है, किस चीज़ की कमी है। लेकिन इसमें तुमने एक बात का फैसला कोशिश करना है, ध्यान रखना है कि जब भी कन्विंस करो 100% करना। Exactly, 50% आज 50% करोगे तो एक और फिल्म इंटरवल से आगे जाएगी, वो फिर बात नहीं बनेगी, एक आधी हो जाएगी फिर अगली भी आधी हो जाएगी, फायदा नहीं होगा कोई। चले आप बढ़ते हैं हम अपने सेगमेंट की तरफ। क्या ख्याल है? क्या है जी आज हमारे? अच्छा जी, आज हमारे पास ये है, तो सिख भाई देखें, फिल्में जो है वो पाकिस्तान में अब माशाल्लाह से चलना शुरू हो गई हैं, और मेरी मुझे उम्मीद भी है और दुआ भी है कि ये सिलसिला चलता रहे और अगला जो वायरस है ख़तरनाक किस्म का उसकी नज़र ना हो, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि हम सब लोगों को ये कह रहे हैं कि प्लीज़ आप सिनेमा ज़रूर जाएँ, ज़रूर जा कर फिल्म देखें, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि हम पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री को बूम पे लेके आए, वो जो उसका माजी था वो दोबारा से अपने पैरों पे खड़ी हो और इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंडस्ट्री की ग्रोथ हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये भी है कि हम साथ साथ करंट जो हमारी रेलेवेंट सिचुएशन है उससे हमने ज़रूर जो है उसका ख्याल रखना है। वो ये है कि हमने अपने आप को ज़रूर वैक्सीनेट करवाना है, और अगर आप नहीं हैं वैक्सीनेटेड तो पहले आप वैक्सीनेशन कराएं और फिर उसके बाद जाके आप सिनेमा में जाके फिल्म देखें, क्योंकि हमारी जो सिनेमा हॉल है उसमें आपकी एंट्री जो है वो बैन होगी अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं। फैसल मूवी वाला आज दो फिल्में साथियों हमारे लिए लेकर आ रहे हैं और उनका थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे और साथ साथ उनके ट्रेलर्स भी हम आपको दिखाएंगे। पहली कौन सी फिल्म है जिस पे हम बात करने चले हैं? पहली जो फिल्म है तौसीक भाई, वो पाकिस्तान की इस वक्त मौला जट के अलावा सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड फिल्म है। उसकी वजह यह है कि उसमें हमारी पाकिस्तान की सुपर डुपर स्टार, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम जिनके जो कि है माहिरा खान, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनके काम का मुझे उनका काम बहुत पसंद है, उन्होंने इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का नाम जो है रोशन किया है, आपको मालूम है जी। तो वो इस फिल्म में हैं और उनके साथ है फहद मुस्तफ़ा, और पर्चा तो आउट हो ही गया, अगर आपको अंदाजा हो गया होगा कायदे आज़म जिंदाबाद। क्या होने वाला है इस फिल्म में? कुछ कुछ अंदाजा तो हो रहा है। हाँ, हल्का फुल्का अंदाजा हो रहा है, और सबसे अच्छी खास बात ट्रेलर की यही है कि इसमें आपको कहानी का पता नहीं चलता। एग्जैक्टली, और बहुत सारे ऐसे ट्रेलर कोशिश करें भी तो समझ नहीं पाते। एग्जैक्टली, व्हिच इज गुड। हाँ, और आप आजकल तो रुझान ही हो गया कि एक ट्रेलर के अंदर ना पूरी कहानी पता चल जाती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस ट्रेलर की, कि सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस ट्रेलर के हवाले, इस फिल्म के हवाले से, कि फिल्म जो है ईद पर रिलीज़ हो रही है, जो कि एक बहुत मतलब ईद एक ऐसा मौका होता है तो सीख भाई, उस पर तो बड़ा कंपटीशन होता है। हॉलीवुड की फिल्में अलग से आ रही होती है, पाकिस्तान वाले जो फिल्म मेकर्स हैं वो अलग से कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो बड़ा मुश्किल मरहला भी होता है कि ईद पर फिल्म रिलीज़ करें या ना करें, रिस्की भी होता है। तो एनी वे, ट्रेलर की तरफ वापस आते हैं, हमने देखा इसमें फहद मुस्तफ़ा है, और फहद मुस्तफ़ा हमें एक नोटोरियस कॉप जो है, जिसको एक पुलिस वाला जो है, और उसके अवतार में हमें नजर आएंगे, और आपने देखा भी, और मशल से एक्शन सीक्वेंस बहुत मज़ेदार है, मायरा खान कितनी खूबसूरत लग रही है उसके अंदर, ट्रेलर के अंदर, और ये जो डुओ है डायरेक्टर का, नबील कुरैशी का और फहद मुस्तफ़ा, नहीं जो प्रोड्यूसर है हमारी फिज़ा मिर्ज़ा, जो इन दोनों का जो डुओ है ना, ये इसकी खास बात तौसीक भाई ये है कि जब भी फिल्म देते हैं ना तो हिट फिल्म देते हैं। इनके पास ना जो फार्मूला इन्होंने क्रैक कर लिया, आप देखें नामालूम अफराद दोनों के बाद से मतलब फिर टेक ऑफ ही है। एग्जैक्टली, फिर हमने देखा एक्टर इन लॉ एंड ऑर्डर, वो भी हिट थी, फिर हमने देखा लॉर्ड वेडिंग जो थी, उसने बॉक्स ऑफिस पे इतना अच्छा बिजनेस किया, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी, जनरली लोगों को बहुत पसंद है। अब इनकी फिल्म में क्या खास बात होती है तो भाई, एंटरटेनमेंट तो 100% होती है, मतलब आपको फिल्म में मजा आता है, आपका टेक बैक बहुत अच्छा होता है, आप बड़े हैप्पी गो लकी जाते हैं घर फिल्म देखने के बाद, लेकिन उसके साथ साथ एक सोशल
मैसेज भी उसमें होगा, तो इसमें भी होगा कुछ, इसमें भी ऑफ कोर्स। और हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो कायदे आजम जिंदाबाद जो ट्रेलर हमने देखा है, इसमें एक डायलॉग है, अभी ये टीजर है उसका, ऑफिशियल ट्रेलर अभी आना है इसका। और क्योंकि ये ईद पर रिलीज होनी है, तो कहते हैं कि एक महीना पहले ट्रेलर जो है रिलीज करते हैं लोग, ताकि उसकी मार्केटिंग में एम्पल टाइम आपके पास हो। तो ये कहीं मार्च एंड अप्रैल में कहीं इसका एक्चुअल ट्रेलर रिलीज हो रहा होगा, आएगा। लेकिन फैजल, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एग्जैक्टली, मैं ये बात सोच रही थी, आपने कहा ईद पे ये रिलीज हो रही है और उसके बाद होता है कि बड़ी अफरा तफरी होती है, टिकट्स लेने होते हैं और अक्सर औकात तो सिनेमाज इतने फुल होते हैं। मैं कहती हूँ कहाँ है वो लोग जो बार बार कहते हैं कि भाई हम तो ईद पे सो रहे होते हैं, हम कहीं नहीं जाते, ईद बड़ी बोरिंग जा रही होती है बहुत सारे लोगों की, यहाँ तो सिनेमाज हमारे फुल होते हैं वैसे। और सबसे अच्छी बात यह है, सुविनय, ये देखिए कि 2019 में जब पाकिस्तानी फिल्में अचानक से हमें बहुत अच्छी फिल्में देखने को मिली, उस वक्त दो तकरीबन जो फिल्में रिलीज हुई 18-19, उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया था और उस वक्त सिनेमा घर हमारे भरे हुए थे, और कोविड की वजह से अनफॉर्चुनेटली वो सिनेमा नहीं भरा हुआ था। लेकिन अभी भी हम लुक फॉरवर्ड करेंगे और इंशाल्लाह लोग जो है ईद पे ऑफ कोर्स फिल्म देखने जाएंगे, और ये जो हमारा जो फिल्में हैं ईद के ऊपर रिलीज होंगी, मुझे अच्छा लगेगा कि आप हमारे साथ जाके फिल्म देखें। मैं कहने वाली थी सोच इंटरवल के बाद इंटरवल के बाद आना सुबीन, क्यों तुमने 50% ऑफ 50, लेकिन अभी सेगमेंट खत्म नहीं हुआ ना, सेगमेंट के एंड पे डिसाइड होगा कितने परसेंट। अच्छा जी, दूसरी कौन सी फिल्म है? दूसरी फिल्म है तो सीख भाई, वो भी एक पाकिस्तान की ऐसी फिल्म है जिसके बारे में ये बात की जा रही है कि यार पाकिस्तान में जितनी भी फिल्में रिलीज होनी है, जितनी भी फिल्में आने वाली हैं, तो ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि आप पाकिस्तान उस जगह पहुंच गया है जहाँ पे उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई है और साउंड हो गई है, और अब फिल्में देख के लगता है कि ये फिल्में हैं, ये ड्रामे नहीं है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है। दिस इज व्हाट आई थिंक। तो अगली जो फिल्म है वो हमारे एक ऐसे डायरेक्टर की तरफ से है जिन्होंने अगेन हिट फिल्में दी हैं, और वजाहत रऊफ उनका नाम है, फिल्म का नाम है पर्दे में रहने दो। अच्छा, इस फिल्म में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इससे पहले जो वजाहत रऊफ की फिल्में हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है, कराची से लाहौर, लाहौर से आगे, फिर उसके बाद हमने देखा छलावा। अच्छा, इनकी खास बात ये होती है वजाहत रऊफ के जो आर्ट डायरेक्टर जो भी है ना, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे लगता है वजाहत रऊफ खुद उसके अंदर पेश पेश होते हैं, क्योंकि इनका हर फ्रेम, कोई भी फ्रेम उठा के देख लें आप, तो सीख भाई कोई भी फिल्म इनकी पिछली तीनों उठा के देख लें, हर फ्रेम जो है एक पेंटिंग नजर आती है, एक खूबसूरत पेंटिंग, एक सीनिक ब्यूटी उसके अंदर आपको देखने को मिलती है। और फिल्म का ये मकसद भी है ना कि आपका आपको विजुअली ट्रीट करे, आपकी विजुअल एंटरटेनमेंट करे, तो वाकई मतलब आर्ट डायरेक्शन के ऊपर बे इंतहा मेहनत होनी चाहिए और हो भी रही है। और नाम की नाम आपने अभी बताया कि पर्दे में रहने दो, इससे पहले जो तीन मूवीज के नाम है, नाम भी बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो उसके लिहाज से भी मेरे ख्याल में आउट क्लास, एक से बढ़ के एक। पर नाम बहुत जरूरी होता है, एक नाम टाइटल अच्छा होना, वो कहते हैं कि जो किताब का टाइटल होता है वही उसको बेस्ट सेलिंग बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। हाँ, लेकिन कभी कभी ये ना हो कि हाशिया मजमून जो है वो नफ्से मजमून से ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाए, और एक्चुअल आप जब फिल्म में जाए आप कहें जी नाम तो बहुत अच्छा था, ये क्या देखे, लेकिन यू नो, हाँ, तो दोनों साइड्स पे सिर्फ ये नहीं कि फिल्म हल्की ना, नाम अच्छा रख लेंगे, तो दोनों साइड्स पे मेहनत जरूरी होता है। कुछ लोग ये करते हैं भाई कि फिल्म बना लेते हैं, नाम होते ही नहीं फिल्म का, बाद में रखते हैं। नाम होता ही नहीं है। वो फिर सबीन जाके देखती है। जैसे उनका नाम ना हो। इसीलिए देखिए, जब कोई पूछता है ना मुझसे कौन सी फिल्म देखी, तो मैं कहती हूँ कि मेरे माइंड में स्टोरी चल रही होती है पर नाम नहीं आ रहा होता जुबान पे, तो मैं बता नहीं पा रही होती। तो ये सबीन का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि नाम अच्छा होना चाहिए, कैची होना चाहिए, ताकि याद रह सके। हाँ, एक मेमोरेबल नाम। अच्छा जी, पर्दे में रहने दो के बारे में। अच्छा, पर्दे में रहने दो के बारे में बताना ये चाहता हूँ मैं कि आपने ट्रेलर देखा है, माशाल्लाह से कलरफुल टीजर देखा है आपने, बहुत कलरफुल है, बहुत वाइब्रेंट है, सिनेमेटोग्राफी हमेशा की तरह बहुत अच्छी है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि हमारे जो फ्रेम्स हैं वो बहुत अच्छे हो गए हैं, कैमरा एंगल्स बहुत अच्छे हो गए हैं, हमारे टेक्नीशियन बहुत साउंड हो चुके हैं, लाइट बहुत अच्छी हो गई है, हमारी सिनेमा का जो एक्सपीरियंस है वो इससे बहुत बेहतर होता है। तो थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी अगेन। और फिर उसके बाद अब इस ट्रेलर टीज़र के अंदर ये है, कहानी अगेन हमें नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, लेकिन हमें ये देखने को मिल रहा है कि अली रहमान है इसके अंदर। अली रहमान इससे पहले जनान में काम कर चुके हैं, पर्ची में काम कर चुके हैं, और बहुत एक नीश उनकी एक बन चुकी है और एक अच्छी उनकी फॉलोइंग है, लोग उनको देखना चाहते हैं, और छोटी स्क्रीन पर भी आते हैं, बड़ी स्क्रीन पर भी आते हैं, और बहुत खूबसूरत प्रिटी फेस के साथ साथ एक बहुत अच्छा और बेहतर काम करते हैं। बिल्कुल। उनके साथ साथ हानिया आमिर, जो एक बहुत ही पाकिस्तान की एक ऐसी
एक्ट्रेस है जिनको बिल्कुल सब उनको पसंद करते हैं। कोई ऐसा मतलब मुझे नहीं लगता कि उनके काम का कोई बंदा फैन नहीं है। मैं उनके काम का बहुत फैन हूँ, मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो छोटी स्क्रीन पे करें चाहे बड़ी स्क्रीन पे करें। अच्छा, कमिंग बैक टू द कहानी, हमें नहीं मालूम लेकिन प्लॉट कुछ नहीं पता चल रहा, सिनॉप्सिस नहीं स्टोरी का पता चल रहा। अगेन हानिया आमिर इसमें है, जावेद शेख हमने देखा है एक बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टर इसमें करते हुए नज़र आते हैं, और उसके साथ अली रहमान है। डांसेस आपने देखा, कोरियोग्राफ बहुत अच्छे हुए हैं, जो बिट्स एंड पीसेस हमने देखे हैं। तो हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि ये फिल्म जो है अगेन एक सुपर हिट पाकिस्तान की फिल्म साबित होगी, और हानिया आमिर अली रहमान मेरा ख्याल है पर्दे में रहने दो इट्सेल्फ ये फिल्म बीनों को सिनेमा घर लेके जाने के लिए काफ़ी। कुछ पता कब रिलीज़ हो रही? इसकी अभी कोई डेट ऑफिशियली नहीं आए, क्योंकि जो बड़ी ईद पे भी एक फिल्म रिलीज़ हो रही है और छोटी ईद पे भी एक फिल्म रिलीज़ हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था लगभग, आपने भी कहा कि 60 फिल्में हैं, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है वही प्रोड्यूसर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए कि कब कौन सी फिल्म रिलीज़ की जाए, क्योंकि अचानक से हमारे पास एक पाइल ऑफ फिल्म्स आ चुका है कोविड की वजह से, तो हो सकता है ये साल ना रिलीज हो सकता है ये अगले साल। और जनरली इन 60 का अगर एक ओवरव्यू लें हम, ओवरव्यू तो अभी नहीं ले सकते क्योंकि हमने वो देखी नहीं है, लेकिन अभी रोम कॉम फॉर्मूला हमारा हिट होता चला आ रहा है, क्या रोम कॉम से हटके भी कुछ एक्सपेरिमेंटल काम भी होता हमें नजर आ रहा है? बिल्कुल, जैसा साकिब मलिक ने एक थोड़े सा एडवेंचर किया था बाजी, और वो जो आप बात कर रहे थे कि ड्रामा नहीं होना चाहिए फिल्म होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है पिछले 3 सालों में बाजी एक ऐसा बड़ा नाम हमें नजर आया जो फिल्म हमें नजर आई, इसी तरह हमें सुपरस्टार यानी फिल्म नजर आई। तो इन 60 का अगर ओवरव्यू लें तो रोम कॉम से हटके भी कुछ एडवेंचरस एक्सपेरिमेंटेशन होती नजर आएगी? बिल्कुल, एक्सपेरिमेंटेशन होती नजर आएगी, जैसे कि हमने पिछले सेगमेंट में जिक्र किया था हॉरर कॉमेडी बिल्कुल। और अब ये जो फहद मुस्तफा की जो फिल्म है कायदे आजम जिंदाबाद, ये रोम कॉम नहीं है, ये क्राइम कॉमेडी है। अच्छा, क्राइम कॉमेडी, ठीक है। तो देखिए कैसे मजेदार किस्म के जॉनर्स आपस में इम्तिजाज कर रहे हैं, तो बड़ा डिफरेंट किस्म का काम देखने को मिलेगा, जरूरी नहीं है कि हमें रोम कॉम ही देखने को मिले। और तो सीख भाई देखिए कुछ हद तक हमें रोम कॉम जो है वो दिखानी है, नहीं चाहिए भी, देखिए फिल्म देखने के लिए जो लोग जाते हैं उनको रोमांस भी देखना है, कॉमेडी भी देखनी है, अच्छे गाने देखने, तो कुछ तो मिसालें ऐसे हैं जिनके बिना हलीम का तैयार होना मुमकिन नहीं है। तो सिख भाई ये भी तो देखिए ना, अब सारे मेरे जैसे तो नहीं है जिनका काम सिर्फ फिल्में देखना है। हाँ। लोग थके हारे जाते हैं, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। एग्जैक्टली exactly. अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फैसल यहाँ पे, कि आप हमेशा नहीं देख सकते, बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें नहीं पसंद होता कि बस आप वॉयलेंस देख रहे हैं हर जगह पे, दिमाग की दही वाली फिल्में देख रहे हैं, समझ नहीं आ रही, और आपस में कह रहे हैं यार दूसरी दफा देखनी पड़ेगी तब समझ आएगी। हाँ, क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्में हर बंदा नहीं देखता ना, हर बंदा उसका फैन नहीं होता। फैसल वो एक बड़ी मेरी और फैसल की बड़ी टॉम हार्डी की फिल्म है, वो एक गाड़ी के अंदर क्या लॉक अब वो लॉक जो है पूरी फिल्म में सबीन एक कैरेक्टर है, एक बंदा है पूरी फिल्म में एक बंदा है, डेढ़ घंटा आप सिर्फ एक कैरेक्टर को देखते हैं, लेकिन आप हिल नहीं सकते। लेकिन वो फिल्में जिनको हम कहते हैं दिमाग की दही है, तो तुम ना देखना क्योंकि उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्या वो डेढ़ घंटे की फिल्म में इंटरवल कोई नहीं है। पूरी देखनी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारा सिनेमा बहुत जल्द इंशाल्लाह मैच्योर होगा, और हमें लॉन्च, मैंने एक मिसाल दी टॉम हार्डी बाय द वे इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, सो इस तरह का एक्सपेरिमेंटल काम भी पाकिस्तान में शुरू हो जाएगा, और हो जाना था अगर कोविड ना आता। यस, और 2019 में जो हमने टेक ऑफ किया था, ये 60 का जो पाइल अप हुआ भाई, ये साथ साथ निकल रही होती, तो इस वक्त हमें बहुत एक्सपेरिमेंटल काम भी नजर आना शुरू हो जाना था। यस, ऑफ बीट सिनेमा जिसको कहते हैं, हमारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो कि सिर्फ डेडिकेटेडली ऑफ बीट सिनेमा के लिए काम करते हैं, अबू लहा उनमें से एक नाम है। हाँ। और जिनकी अगर आप फिल्में देखें बहुत ऑफ बीट है, वो उनके फ्रेम सजे हुए नहीं है। हाँ। वो एक गंदी नाली के पास एक कैरेक्टर को खड़ा करके वो शॉट ले लेते हैं। Exactly. उनके लिए ये जरूरी नहीं, लेकिन वो कितना मजेदार काम, रियलिटी से करीब है। अब कभी कभी ये भी होता है, देखिए ये बैकफायर भी कर जाता है, आपकी आर्ट डायरेक्शन सब खूबसूरत है, लार्जर देन लाइफ है, तो आप उसके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाते यार, दिस इज नॉट रियल। शायद इस तरह का थोड़ा सा मसला लोड वेडिंग में हुआ था। हाँ जी, ठीक है ना, उसका भी हर फ्रेम बहुत ज्यादा सजा हुआ था। एनीवे, तो भाई मजेदार सेगमेंट हमेशा की तरह, वो बिल्कुल एक्साइटमेंट की फिल्में देखनी है जाके। थैंक यू वेरी मच फैसल, ऑल द बेस्ट, बहुत शुक्रिया। तो अब हम लेंगे ब्रेक, और सबीन ब्रेक के बाद क्या है पता है? क्या है? हमने जाना है पीटीवी न्यूज। बिल्कुल, हमने जाना है पीटीवी न्यूज। पीटीवी न्यूज को हम यहाँ लेकर आ गए तो बिल्कुल, हमने पीटीवी न्यूज को लेके आना है, बल्कि उलट है। पीटीवी होम के सेट्स पे जरियाब और शुएब हमारा साथ देंगे, जो कि पीटीवी न्यूज का जो मॉर्निंग शो है सुबह पाकिस्तान, उसके होस्ट हैं,
उनको आप बहुत मजे का बहुत इंटरेस्टिंग सा काम करते हुए देखते हैं, लेकिन हमने सोचा कि हम होम वाले न्यूज़ वालों का ज़रा मधु करें, उनको चाय शाय कॉफ़ी पिलाएं और उनसे गपशप करें, कुछ उनकी पर्सनल लाइफ, उनके अचीवमेंट्स और उनके शो की बात हो। रहिए मेरे और सबीन के साथ, यह है राइजिंग पाकिस्तान।